हेलो किड्स, दिस इज़ ASM स्कूल क्लासरूम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर अमित नागपाल। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग फोर्थ चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इन दिस वे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5। सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सरसाइज 4.5 दे आर आस्किंग अबाउट ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। हमें वो एक PQRS क्वाड्रिलेटरल बनाने को बोल रहे हैं, उसका रफ स्केच बनाने को बोल रहे हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक रफ स्केच बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS का, इस टाइप से। ये हमने एक जनरल क्वाड्रिलेटरल PQRS ड्रॉ किया है। आफ्टर दैट दे आर आस्किंग, अब उसके बाद में बोल रहे हैं कि PQRS का रफ स्केच बनाइए। हमने बना दिया और वो बोल रहे हैं कि इसको नेम दीजिए, नेम भी दे दिया। इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब हमें इसके डायगोनल बनाने हैं, तो डायगोनल बच्चों कहाँ बनेंगे, इंटीरियर या इंटीरियर, ये देखने वाली बात है। अगर हम इस P पॉइंट को R से ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलेगा ये फर्स्ट डायगोनल, और अगर हम Q पॉइंट को S से ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलेगा सेकंड डायगोनल। और आप देख सकते हैं ये इनका मीटिंग पॉइंट आ गया। अगर मैं इसको O नेम दे दूं तो ईजिली बताया जा सकता है कि ये O पॉइंट कहाँ है, इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। सो यू कैन से डायगोनल्स मीटिंग कहाँ कर रहे हैं, डायगोनल्स मीटिंग कहाँ कर रहे हैं, इनसाइड में। ये अपने से फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इज इट हार्ड? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स टेक इट्स सेकेंड प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इन सेकेंड प्रॉब्लम दे आर आस्किंग अबाउट ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN। हमें एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल KLMN का। तो ये हमने क्वाड्रिलेटरल KLMN का रफ स्केच बना दिया, KLMN का रफ स्केच हमने बना दिया। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि हमें देख के बताइए, ए पार्ट में हमें बताना है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने की। हमें टू पेयर्स अपोजिट साइड के बताने हैं। तो KL के सामने कौन सी साइड है, MN। KL के सामने कौन सी साइड है, MN। KL एंड MN ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। इसी टाइप से LM के सामने कौन सी साइड है, KL। LM एंड KN ये भी दोनों अपोजिट साइड्स है। तो ये था आपका ए पार्ट, इसमें आपको अपोजिट साइड बतानी थी। और अपोजिट साइड क्या होती है, आमने सामने की साइड। तो आपको यहाँ पे अपोजिट साइड बतानी है। बी पार्ट में बच्चों क्या पूछा गया है, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। हमसे अपोजिट एंगल्स के टू पेयर्स पूछ गए। अपोजिट का मतलब बच्चों होता है आमने सामने के। आप देख सकते हैं के वर्टेक्स के सामने एम वर्टेक्स है, तो एंगल के सामने कौन सा एंगल हुआ, एंगल के सामने का एंगल हुआ एम। तो यू कैन से एंगल के एंड एंगल एम। इसी टाइप से एंगल एल के सामने कौन सा हुआ, एंगल एन। एल के सामने एंगल एल एंड एंगल एन। तो ये हैं अपोजिट एंगल्स। सी पार्ट में हमें बताना है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स होती है बच्चों नेबरिंग साइड्स। अब हम सी पार्ट करने जा रहे हैं। एडजेसेंट साइड्स होती हैं नेबरिंग साइड जो बिल्कुल साथ लगती हैं, जो एकदम साथ में टच करती हैं, दोज आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी है, KL के साथ में साइड है MN। KL के साथ में जो साइड है उसका नाम है LM। KL एंड LM एडजेसेंट है। इसके अलावा LM के साथ में है MN। LM एंड MN। इसके अलावा MN के साथ में है NK। MN एंड NK। इसके अलावा NK के साथ में है NK एंड KL। तो बच्चों ये है आपकी एडजेसेंट साइड। होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स टेक इट्स डी पार्ट। इन डी पार्ट दे आर आस्किंग अबाउट टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। वही बात, एडजेसेंट एंगल्स मतलब नेबरिंग एंगल्स। तो एंगल K का नेबर एंगल कौन है, एंगल L। वैसे तो एंगल N भी है, तो अपने इस सीक्वेंस में चलेंगे। एंगल K का नेबरिंग एंगल कौन है, एंगल L। तो डी पार्ट में हमसे एडजेसेंट एंगल पूछे। एडजेसेंट मीन्स नेबरिंग एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल के का जो नेबरिंग एंगल है वो है एंगल एल, और एंगल एल का जो नेबरिंग एंगल है वो है एंगल एम, और एंगल एम का नेबरिंग एंगल है एंगल एन, और एंगल एन का नेबरिंग एंगल है एंगल के। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। होप यू अंडरस्टैंड। 4.5 का जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों वो एक इन्वेस्टिगेशन वाला है। तो आप इस इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन को आप
खुद से ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 टोटली बेस्ड है सर्कल के ऊपर। एक्सरसाइज 4.6 सर्कल के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया गया है और उसमें कुछ पोर्शन को शेडेड भी किया गया है। ये पोर्शन शेड है यहाँ पे, और ये है इसका डायमीटर जो कि सेंटर से होके जा रहा है, और यहाँ पे एक अनदर रेडियस है, और इस पोर्शन को शेड किया गया है, इस पोर्शन को शेड किया गया है ए बी ओ, और ये है आपका पी पॉइंट, ये है सी डी ई, और यहाँ पे है बी, और ये लास्ट में है क्यू पॉइंट। तो हमें यहाँ पे बताना है द सेंटर ऑफ द सर्किल। आप बता सकते हैं सेंटर ऑफ सर्किल यहाँ पे कौन है? सेंटर ऑफ सर्किल है यहाँ पे ओ। बी पॉइंट में हमसे पूछा गया है तीन रेडियस के नाम बताने हैं। तो रेडियस वो होती है जो सेंटर को सर्कमफ्रेंस से ज्वाइन करती है। तो ओ बी एक रेडियस है, ओ ए एक रेडियस है, और ओ सी एक रेडियस है। ओ बी, ओ ए एंड ओ सी, ये हमारी रेडियस होगी। उसके बाद में हमें बताना है डायमीटर। डायमीटर वो होता है जो सर्कल की बाउंड्री को मैच करता है, और साथ ही साथ वो सेंटर से होके जाता है। तो यहाँ पे ऐसी लाइन है ए सी जो ओ से होके जा रही है, तो ए सी क्या हुआ? डायमीटर। ए सी इज डायमीटर। ओके बच्चों, उसके बाद हमें बताना है यहाँ पे एक कोड बतानी है, और आप देख सकते हैं कोड कौन सी है, डी ई। तो आपकी यहाँ पे कोड है कोड सी एच ई डी ई, ये थे आपके डी पॉइंट, एंड देन वी हैव ई पॉइंट। ई पॉइंट पे हमसे क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। ई पॉइंट में बच्चों हमसे पूछ रहा है आप बताइए यहाँ पे टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर, अंदर की ओर दो पॉइंट प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई पॉइंट में अंदर की ओर दो पॉइंट कौन से हैं, ओ एंड पी, ये आपके दो पॉइंट हैं जो अंदर की ओर हैं। और फिर एफ में आपसे क्या पूछा जा रहा है, एफ पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है एक पॉइंट बताओ जो कि एक्सटीरियर में हो, और एक्सटीरियर में हमें यहाँ पे क्यू नज़र आ रहा है, तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन हुआ, क्यू। एंड लास्टली सेक्टर का नाम पूछा जा रहा है। सेक्टर बच्चों क्या होता है, दो रेडियस और एक आर्क के बीच का पोर्शन सेक्टर होता है। यहाँ पे दो रेडियस और आर्क के बीच का पोर्शन सेक्टर होता है, तो सेक्टर ए ओ बी। तो सेक्टर यहाँ पे कौन सा है, जी पॉइंट जो कि आपका सेक्टर है, उसका नाम है ए ओ बी। ए ओ बी इज सेक्टर। इसके इस तरीके से आप आर्क बना सकते हैं, ए ओ बी इज योर सेक्टर। एंड लास्टली आपसे पूछा जा रहा है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, एक कोड और एक आर्क के बीच का पोर्शन, एक कोड और आर्क के बीच का पोर्शन। तो सेगमेंट कौन सा है, यहाँ पे डी ई सेगमेंट है। ओके बच्चों, सो ये थी आपकी 4.6। इसके बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं, सेकंड फर्स्ट के जैसे ही हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।